बहुत सारी यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, आप ऐसे क्यों करते हैं, आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने वो फीचर क्यों हटा दिया, आपने ये फीचर क्यों ला दिया, आपने ये फीचर को क्यों बदल दिया। ठीक है, बहुत सारी आपको प्रॉब्लम कंफ्यूजन आपको होता है। और लेकिन हम मॉर्निंग में डिस्कस ये थे कॉन्टेंट बदल रहा है तो हमें भी बदलना होगा। और हम आपको स्क्रीनशॉट एक दिखाए थे 1998 वाला और एक नया वाला, कितना फर्क अभी आ गया है। तो इन सारी चेंजेस जो होती हैं वो सारी चेंजेस क्यों होती हैं, हम क्यों करते हैं, उसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या होती हैं, अगर हम इसको समझ जाएं। दिनों बाद फिर मैं इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले गूगल से एक मैसेज आया था वेब मास्टर कॉन्फ्रेंस का, और दिसंबर में 14th को हुआ था ना हिमांशु? या 14th मे बी। तो दिसंबर 14 में एक गूगल ने इवेंट करवाया था, और सेम उसी होटल में, कौन सा होटल है ये? पुलमैन एरोसिटी। हाँ, एरोसिटी में एक होटल है पुलमैन, तो वहीं पर ये एक इवेंट है आज फिर से। आज डेट है 17 जून 2019। तो आज की डेट में एक इवेंट कराया गया, जिस इवेंट में कई चीज़ें बताई गई हैं, तो इसका डिटेल वीडियो जो मेरा मेन चैनल है गुरु के टिप्स, मैं उस पर डालूँगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये मेरा एक वी लॉग इन चैनल है, और यदि मैं किसी से मिलता हूँ, किसी से बात करता हूँ, तो उससे रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपने पर्सनल चैनल पर डालता हूँ। दैट्स वाई कि मैं यहाँ पर ये वीडियो अपलोड किया हूँ। और होटल पुलमैन नो डाउट यार बहुत बढ़िया होटल है, इतना अच्छा यहाँ पर फील होता है। सबसे ज़्यादा अच्छी फील हमें इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर हमें अपने ही फील्ड में काम करने वाले ब्लॉगर वेब मास्टर दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को मिलता है, उनका एक्सपीरियंस प्राप्त करने को मिलता है। तो जब भी कोई इवेंट हो तो आपको भी जाना चाहिए, कोई भी इवेंट मिस नहीं करना चाहिए। बेशक आपको इवेंट में वही चीज़ें दोबारा बताएं, लेकिन आपको तब भी जाना ही चाहिए। इवेंट एक्चुअली हर मायने में ज़रूरी है, क्योंकि इवेंट में आप नई चीज़ों से अपडेट होते हो, और ख़ास करके आप यदि कुछ भी नई चीज़ें आ रही हैं, आपके फील्ड में नया क्या हो रहा है, आपके फील्ड में और नए कितने लोग आ रहे हैं, ये चीज़ें जानने और सीखने का मौका मिल जाता है यहाँ पे। और साथ ही एक नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। अगर आपने हमारे कुछ वीडियोज़ देखे हो तो उन्होंने बताया है कि नेटवर्क इज़ इक्वल टू नेटवर्क, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी ही आपकी नेटवर्थ होगी। तो इसीलिए आपको हर हाल में इवेंट वगैरह अटेंड करना चाहिए। अगर आपके नियर बाय में है तो आप ज़रूर अटेंड कीजिए, लेकिन आपसे अगर थोड़ी दूर पे हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए टाइम मैनेज करने की, ताकि आप उस इवेंट को अटेंड कर पाएँ। और हिमांशु भाई, इस इवेंट को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहोगे? इस इवेंट में आके मेरे को काफ़ी कुछ पता चला, जैसे कि गूगल के नए नए अपडेट आ रहे हैं, जैसे कि इमेजेस में काफ़ी चेंजेस होने वाली है, गूगल इमेजेस दिखाने का तरीका चेंज कर रहा है, गूगल ने वेब मास्टर के ऊपर कुछ बातें बताई कि अगर ये ऐप में कोई एरर आ जाए तो कैसे फिक्स करे, और इतना ही नहीं गूगल ने खास वो बताया था कि अब वो मोबाइल इंडेक्सिंग करेगा, जैसे कि पहले कंप्यूटर लैपटॉप में इंडेक्सिंग होती थी डेस्कटॉप साइड में, अब वो मोबाइल साइड में थोड़ा इंडेक्सिंग की उस पर ज़्यादा फोकस करें। एग्जैक्टली, कि लोगों को अपनी साइड मोबाइल फ्रेंडली ही बनानी चाहिए। वैसे ये बात तो सबको पता ही है कि लोगों को अपनी मोबाइल फ्रेंडली नहीं चाहिए, लेकिन अब वो इंडेक्सिंग में भी मोबाइल को ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो आपको अपनी साइड ऐसी बनानी चाहिए कि मोबाइल फ्रेंडली हो। बेशक आपकी साइड बिना डेस्कटॉप ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पूरी फ्रेंडली होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली, तो फोकस करें कि कंटेंट आपका ऐसा शो करे कि एकदम विजिटर को मोबाइल में एकदम क्लियर दिखाई दे, और सुंदर साइड होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ब्यूटी नहीं होगी तब फिर क्या होगा। तो अपनी साइड कंटेंट शो करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि एकदम सामने वाला इंप्रेस हो जाए। मतलब कंटेंट में तो क्वालिटी यार होनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप क्वालिटी कंटेंट वेबसाइट पर नहीं डालोगे तब तक कुछ नहीं होना है, हर हाल में आपको क्वालिटी कंटेंट देना होगा। तो चलो अभी हम लोग, एक्चुअली मैं तो बहुत लेट पहुँचा हूँ यहाँ, 9:00 यहाँ पर पहुँचना था, लेकिन मैं 10:15 या 10:30 के आसपास यहाँ पहुँचा हूँ। हिमांशु भाई को सुबह में एक्चुअली कॉफ़ी और मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है ना 5-स्टार होटल का, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये टाइम से पहले पहुँचते हैं इधर पर। हम समय के पाबंद वाले लोग हैं, समय के पाबंद और ब्रेकफास्ट लवर हैं। ब्रेकफास्ट लवर है तो
इसलिए थोड़ा पहले नहीं बल्कि 8 बजे इधर पे आ गया था कि कब ब्रेकफास्ट का काउंटर लगे। हाँ तो चलो थोड़ा मतलब अब भूख भी लग रही है तो लंच कर लेते हैं। और इस इवेंट में जो कुछ भी होगा उसका भी अपडेट इस वीडियो में है, तो इस वीडियो को पूरा देखो, ऐसे मत जाओ। और यदि हाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही जो मेरा मेन चैनल है आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो। और एक चैनल और है एच वी टॉक्स का, जो मेरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हाँ भाई एच वी टॉक्स कर रहे हैं और उस पर अच्छी वीडियोज आती है, आप उस पे देख सकते हो, उसमें हम यूथ से रिलेटेड यूथ को जगाना है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, यदि आप लोगों में से कोई सिगरेट पीता हो और उसके क्या फ़ायदे हैं तो वो इनकी चैनल पे डला हुआ है कि सिगरेट पीने के क्या फ़ायदे हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हो। शायद हो सकता है उसके बाद आप सिगरेट पीना या तो छोड़ दो या तो ज़्यादा कर दो, वही चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हो, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और अपने सबसे पहले हम लंच करते हैं, उसके बाद ही वीडियो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब एनर्जी नहीं रही इतनी काम ब्लॉग बनाने की, तो पहले बात करते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये हमारे एक ब्लॉगर है, क्या नाम है इनका? ऑनर ऑफ शानु गुप्ता, ऑनर ऑफ डॉट कॉम, ऑनर ऑफ शानु गुप्ता, ऑनर ऑफ डॉट कॉम, ऑनर ऑफ दूसरे डॉट कॉम। फिर तो बिश्नोई में उन्होंने फोटो भेजी। ठीक है, तो अब अगर आप इस रेसिस को देखेंगे तो इसमें दो किस्म के रेसिस हैं, एक है एड्स और दूसरा कहना है ऑर्गेनिक रेसिस, ठीक है, या ऑर्गेनिक रेसिस। तो जो ग्रीन में आप देख रहे हो ऊपर वो है एड्स, मतलब ये कैसे काम करते हैं कि एक एड नेटवर्क होगा, आप वहां पे गूगल के मतलब एडवर्ड्स होता है उसमें साइन अप करोगे और वहां पर कुछ आप पैसे दोगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका मतलब जो भी एड है वो यहाँ पर दिखाई देना शुरू होगा। लेकिन सिर्फ पैसे देने से ही वो दिखाई नहीं देता है, उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स हम यूज करते हैं यहाँ पर भी उस एड को वहां पर दिखाने के लिए, जैसे कि वहां पर भी आपकी क्वालिटी देखी जाएगी और बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद आपको एड का मतलब प्लेसमेंट दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरे किस्म की जो रिजल्ट है वो है ऑर्गेनिक। अब ये ऑर्गेनिक रेसिस किस तरह से रैंक होती है, इसमें कोई पेमेंट देना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है। जब हम ऑर्गेनिक कहते हैं इसका मतलब ये है कि किसी का भी कॉन्टेंट यहाँ पर रैंक हो सकता है, यहाँ पर दिखाई दे सकता है, किसी का भी कॉन्टेंट, वो अगर ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर हम उसको क्रॉल और इंडेक्स कर पाते हैं तब वो कॉन्टेंट यहाँ पर दिखाई देगा विदाउट एनी कॉस्ट, आपको कुछ भी देना नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप एड, आप यहाँ पर एड दिखाने के लिए आपने कुछ पेमेंट किया, उसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको प्रेफरेंस देंगे कुछ ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स में भी वहां पर रैंक होने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एड सिस्टम और ऑर्गेनिक सिस्टम एकदम इंडिपेंडेंटली काम करता है, बिल्कुल अलग अलग काम करता है, ठीक है। इंटरनली भी हमारे जो टीम्स होती हैं वो बिल्कुल अलग अलग काम करती हैं, एक दूसरे की सिग्नल्स हम शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एकदम इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं और एक दूसरे का इन्फ्लुएंस नहीं होता है इसमें। तो जब हम डेस्कटॉप पे सर्च रिजल्ट्स को देखते हैं तो कुछ वो इस तरह से दिखाई देते हैं, और इसमें भी आपको एड्स और ऑर्गेनिक रेसिडेंट दिखाई देंगे, ठीक है, ये भी सिमिलरली काम करता है, सिर्फ फॉर्मेट का फर्क है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं इस सेशन में वो है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की।
हम बात नहीं कर रहे हैं एड्स की, क्योंकि हम सर्च टीम को बिलोंग करते हैं, एड्स टीम को नहीं, और हमें एड्स टीम के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, और बिल्कुल अलग सिस्टम है। तो हम जो बात कर रहे हैं इसके बारे में वो है ऑर्गेनिक रिजल्ट, ठीक है। अब ऑर्गेनिक रिजल्ट में अलग अलग प्रकार के रिजल्ट आपको दिखते हैं, ठीक है। पहले आपको सिर्फ HTML पेजेस दिखाई देते थे, लेकिन हमने उसके बाद यूनिवर्सल सर्च करके इसको लॉन्च किया है फीचर को, जहाँ पे हम सारे आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स दिखाते हैं। मतलब ये हम ये देखते हैं कि जब कोई भी क्वेरी को डालता है, हम ये देखते हैं कि उसके लिए सबसे रिलेवेंट कॉन्टेंट कौन सा होगा, क्या वो HTML पेज होगा, क्या वो PDF फाइल होगी, क्या वो PPT प्रेजेंटेशन होगा, या फिर एक वीडियो होगा, इमेज होगा, या फिर न्यूज आइटम होगा, या फिर क्या होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि उसको रिलेवेंस को जज करते हैं, और जिस तरह से हमने बात की थी 200+ रैंकिंग सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हम इन चीज़ों को रैंक कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे पहला रिजल्ट इस क्वेरी के लिए जो हमें मिला है वो है एक सीधा सा वेबपेज, HTML वेबपेज, उसके नीचे आप देखेंगे वीडियो रिजल्ट, और राइट हैंड साइड आपको देखेगा नॉलेज पैनल। इस तरह से आपको अलग अलग प्रकार के आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। इसका मतलब ये भी है कि आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी काफी बढ़ जाती है, गूगल सर्च रिजल्ट्स पेज पे काफी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। पहले सिर्फ आपके पास एक HTML पेज दिखाने और लिस्टिंग में एक बार अपीयर होने की आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आप वही कंटेंट को आप अलग अलग प्रकार से गूगल सर्च रिजल्ट्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़ जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज करें। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप SEO के नाम पे करते हैं, वो एक्चुअली आपको मतलब आपका जो वेबसाइट डेवलपमेंट है उससे हटकर अलग से करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट के बेस्ट प्रैक्टिसेस को अगर इस्तेमाल करें तो बहुत सारा SEO खुद ब खुद हो जाता है। जैसे कि एक हम उदाहरण लें, अगर आप इमेज आप अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं तो अगर उसको आप एक कैप्शन दे दें, या फिर बोल्ड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके उसको डिस्क्राइब कर दें, तो ये मतलब बाय इटसेल्फ ये SEO प्रैक्टिस नहीं है, ये यूजर्स के लिए होता है, ये ब्राउजर्स के लिए होता है, ये और उन यूजर्स के लिए होता है जिनके पास फॉर एग्जांपल कभी इमेज लोड नहीं हो पाता है नेटवर्क कनेक्शन की वजह से, या फिर किसी और वजह से, या फिर स्क्रीन रीडर्स भी कई बार होते हैं, मतलब जो जिसको बराबर से दिखाई नहीं देता है जो जब आप आपकी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको जोर से पढ़कर सुनाई दी जाती है। अगर आप ये सब ऐड नहीं करेंगे तो उनको सिर्फ इमेज दिखेगा वहाँ पर, और ब्राउजर को कुछ मिलेगा नहीं उसके बारे में यूजर को बोलने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के यूजर्स आपके कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको दिखता तो नहीं है बराबर इमेज, तो यहाँ पर भी यूज होता है। तो ये सारी वेबसाइट डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैं एक्चुअली।